हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लश ब्लश। मैं हूँ आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कि अगर है आपके सफ़ेद बाल और आप सिचुएशन में हैं जहाँ पे ना तो आप कलर कर सकते हैं, ना आप डाई कर सकते हो, ना आप हेना कर सकते हो, तो आप क्या करोगे और आपको एमरजेंसी में कहीं पे जाना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हम घर से ही एक ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जिससे कि आपके बाल हो जाएंगे एकदम काले और आप कहेंगे यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात, यू नो ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि भाई इससे बाल परमानेंटली काले हो जाएंगे। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा अगर आपके प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रहे हैं बाल तो। और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इस छोटे से वीडियो में छोटी सी चीज़ से हम कैसे अपने बालों को झट से काला कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट राय, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़, जो कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, मैं वो भी रिव्यू करती हूँ आपकी चॉइस पे। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दे सकूं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना ज़रूरी है, उससे मेरा मोराल भी बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ करने का। सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। बेल बटन प्रेस करने से मिलता है आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम यूज़ क्या करने वाले हैं जिससे कि हमारे बाल मिनटों में काले हो जाए, सेकेंड्स में काले हो जाए। तो क्या होता है, घर में जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके पास बहुत सारा सामान होता है, उनमें से एक चीज़ है आईलाइनर। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरह से यूज़ करना है अपने बाल काला करने के लिए। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि दे यूज़ मस्कारा, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। मस्कारा थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का होता है तो वो बालों में उतना यू नो ईजिली नहीं लगता। लेकिन अगर आपके घर में लैक्मे का ये आईलाइनर है तो कहाँ गया मेरा आईलाइनर, गुम हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आज ये आईलाइनर यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ लैक्मे का आईलाइनर और ये जो ब्रश है ये मस्कारा ब्रश है, जिसको मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ कि इससे आप किस तरह से अपने बालों को एक सेकंड में काला कर सकते हो। तो ये मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये ड्राई हो जाता है, ये कपड़ों पर नहीं लगता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट ड्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हो, इवन अगर आप ऐसे करोगे, हाथ लगा लोगे, कुछ भी कर लोगे ना, ये वॉश तक नहीं निकलेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है सबसे पहले। और इसको आप अपने पर्स में रख सकते हो, आप इसको लेकर जा सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, इसको डिपेंड करता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो हम क्या करने वाले हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनके जो आई लैशेज हैं उनको कैसे कलर करें, ये आईब्रोज, तो ये सबके ऊपर चलेगा। आपको सिंपली इसमें डिप करना है, हल्का सा डिप करना है इस तरह से। अभी आ गया है यहाँ ब्रश के ऊपर, उसको आप फिर भी एक बारी अच्छे से मैं अपने आई लैशेज पे करके बता रही हूँ आपको। आप इसको बालों पे कर सकते हो, आप इसको यू नो यहाँ आईब्रोज पे कर सकते हो। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप वाटरप्रूफ प्रोडक्ट लीजिएगा। इस तरह से अगर आप अपने आई लैशेज पे करोगे तो आपके आई लैशेज काले हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने आईब्रोज पे भी इसको कर सकते हो। अगर आपको जैसे बालों पे करना है तो आप देखिए यहाँ पे मैं लगा के बता देती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से, आप देखो इस तरह से आप लगा सकते हो। ये एक सेकंड के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाता है और आपके बाल हो जाएंगे मिनटों में काले। तो ये तो था टेम्प्रेरी सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी वेरी सून विथ समथिंग न्यू। तो जाऊँ क्या, ओके बाय बाय। विंटर्स में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है
और आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो प्लीज़ वाटरप्रूफ प्रोडक्ट लीजिएगा।